हेलो मैम। तुम कौन? मैम मैं मोंटी, पास वाली सोसाइटी से आया था। वो माँ ने आपसे ट्यूशन लेने के लिए बोला था। हाँ, तुम्हारी मम्मी से बात हुआ था सुबह में। आओ बैठो। थैंक यू। तो बताओ क्या लोगे, चाय या पानी? जी कुछ नहीं मैम। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, बस एग्जाम्स नजदीक थे तो बस उसी की तैयारी चल रही है और कुछ नहीं। अच्छा अभी ना तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। श्योर मैम, जरूर आती हूँ। जी जी मैम। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ पे? कौन हो तुम? सर मैं मोंटी, वो बाजू वाली सोसाइटी से आया था ट्यूशन के लिए। ट्यूशन कर रहे हो, दाजा कर रहे हो? सर मैं तो पानी लेने के लिए आया था सर। और तुम दरवाजे बंद करके कपड़े नहीं बदल सकती थी? तुमको मना किया था ना मैंने कि फालतू लड़कों का घर में एंट्री नहीं है, अपने जिस्म का नुमाइश कर रही हो। मुझे क्या पता था वो यहाँ क्या कर रहा था? वाह, तुम्हें नहीं पता था क्या कर रहा था? मैं तो उसको हॉल में बैठने के लिए बोली थी ना। आज से इस घर में कोई भी लड़के पढ़ने नहीं आएंगे। ट्यूशन मत बंद करवाइए ना प्लीज। तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने जो कहा बस वही। तुम फिर आ गए मेरे पास। तुम्हारी वजह से कल मैंने कितना मार खाया, अभी भी तुम्हारे कलेजे को ठंडक नहीं मिली। I'm sorry. मेरी वजह से आपको इतना कुछ झेलना पड़ा, और मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। मुझे लगता है आपके पति आपसे प्यार ही नहीं करते, और आप भी उससे बहुत परेशान हैं। जो प्यार डिजर्व करती हो वो प्यार आपको आज तक मिला ही नहीं। और सच तो यह है कि जब से मैंने आपको देखा है मुझे आपसे बहुत प्यार हो गया है, और मैं आपको वो सारी खुशियां देना चाहता हूं जो आपका पति आपको नहीं देता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं मैं। मैंने खुद अपनी आंखों से कल देखा था आपको मेरी कितनी जरूरत है, और मैं आपकी सारी जरूरतें पूरी करना चाहता हूँ। पहली बार किसी ने मेरे दर्द को समझा है। मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ, और
मैं उसे रास्ते से हटाना चाहती हूँ। तो बस बस आप एक बार मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी कर सकते हो मेरे लिए? जी बिल्कुल कुछ भी। तो मेरे पति को रास्ते से हटा दो, उसके बाद इस घर में हम दोनों रहेंगे, उसकी जगह मैं तुम्हें दूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? क्यों डर गए क्या? डरे मेरे दुश्मन? बस ये बताओ कभी शुभ काम करना है? आज रात को मैं मायके चली जाऊंगी और मेरा पति घर पे अकेला रहेगा, तुम आके उसे मार देना। डन, आज ही रात को तुम्हारे पति का काम तमाम कर दूंगा और फिर उसी के बाद तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा। सुनो तुम अपना ख्याल रखना, मैं अपने पति को तो खोने जा रही हूँ लेकिन तुम्हें नहीं खो सकती। आधे घंटे में आ जाऊंगी। जी इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो तुम? गाई गाई में? और क्या हुआ? वो एक्चुअली मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैं उनको देखने जा रही हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता। अरे नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, आप अपने काम का नुकसान क्यों करेंगे? आप काम करिए, मैं सुबह तक आ जाऊंगी। चलो ठीक है बाय। अपना ख्याल रखना जी। आराम से जाना। हाँ हाँ चलो। अरे तुम आज कैसे आ गई? तुम तो कल आने वाली थी ना? खैर अच्छा हुआ तुम आज ही आ गई। ये देखो मैंने तुम्हारे पति का काम तमाम कर दिया, अब हम आज ही शादी कर सकते हैं। कमीने ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे पति को मार डाला। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ये सब मैंने तुम्हारे कहने पे तो किया है। क्या बकवास कर रहे हो? भला मैं क्यों अपने पति को मारने के लिए बोलूंगी? बकवास मैं कर रहा हूँ कि बकवास तुम कर रही हो? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पे किया है और आज तुम जो कुछ भी किया ना तुमने किया है। रुको मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस? इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर इस कमीने ने मेरे पति को मार दिया। ये औरत झूठ बोल रही है। नहीं। इसी ने मुझे अपने पति को मारने के लिए बोला था, ये सरासर झूठ बोल रही है, मुझे फंसा रही है। इंस्पेक्टर साहब भला मैं क्यों अपने पति को मारने के लिए बोलूंगी? देखिए ना कितना झूठ बोल रहा है ये। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ने आता था और इसी ने मुझसे कहा था किसको मार दे और मैं तुझसे शादी कर लूंगी, और अब ये पलट रही है। देखिए इंस्पेक्टर साहब ये कितना झूठ बोल रहा है, भला मैं इससे शादी क्यों करूंगी? सर ये मेरा स्टूडेंट है और इसने मुझे पाने की चाहत में मेरे पति को मार दिया।
गिरफ्तार कर लीजिए इसे। सर सर मैं चुप, मैं बेकसूर हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। चल बेटा बाकी की पढ़ाई ना जेल में करना, वरना मैं तेरी वो हल करूंगा ना तो गुमनामी का शिकार बन जाएगा और तेरे माँ बाप को तेरी बॉडी भी नहीं मिलेगी। सर मैं आपसे कह रहा हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मेरा यकीन कीजिए, मुझे फंसा रही है ये औरत। चल हेलो। अरे भाई अभी बस भी करो। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई अब बस भी करो, कितनी एक्टिंग करोगे, अब अपने कैरेक्टर में आ जाओ। हाँ निकल गए ना हमारे रास्ते के कांटे, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। अब बताओ आगे क्या करना है? अब आगे ये करना है कि हम दो दिन में सारी प्रॉपर्टी बेच के हम दुबई शिफ्ट हो जाएंगे और एंजॉय करेंगे।